तुम बिल्कुल सही, मैं लूसिफर कमबख्त मॉर्निंग स्टार। बुरा ना मानो तो मैं अंदर आ जाऊं। तुम कामन, तुम्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। फोन नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, घर का पता भी तुम्हारे दूसरे नाम पर रजिस्टर्ड है। लगता है तुम सिर्फ विंग्स ही नहीं और भी बहुत कुछ नकली बनाते हो, है ना? मैं समझा सकता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है तुमने क्या कहा था। मेरे जैसा आदमी एक ही चीज की पूजा करता है, परम पिता पैसों की। तुम समझ नहीं रहे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ अच्छी तरह से। तुम पूरी जिंदगी नास्तिक थे, तुमने एक बार विंग्स को देखा और तुम्हें कुछ बदल गया। तुम्हें वो महान रोशनी दिख गई और एक आस्तिक का जन्म हुआ जो असली दिव्य शक्ति से दूर नहीं होना चाहता। ओ नहीं, मेरे विंग्स को लटका रखा है जैसे कोई नुमाइश की चीज हो। शर्म आनी चाहिए। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। किसी ने मुझे आगाह किया था। सिर्फ बहाने, मेरी गलती नहीं थी, किसी और ने मुझे मजबूर किया। मुझे लगा वो मेरे लिए मूर्ति लाने वाला था। तो मायूस हो गए? मैं नहीं जानता था वो क्या है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया होता अगर मुझे मालूम होता कि इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। प्लीज प्लीज, तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैं इनके बिना नहीं जी सकता। शायद तुम समझे नहीं, ये मेरे हैं। अब तुमसे निपटने से पहले तुमसे पूछने के लिए मेरे पास बस एक ही सवाल है, तुम्हें किसने आगाह किया? जानता था तुम आओगे। बेशक मुझे आ रहा था। मेरी ड्यूटी विंग्स को सही जगह पहुंचाने की है। बस यही बात है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, खून बहा, खोई चीज ढूंढी, हेवन से हेल्प की दुहाई मांगी, और अब जो तुम्हें अपने विंग्स वापस मिल गए, क्या तुम अपने असली रूप में वापस नहीं आना चाहते? वापस हेल नहीं जाना चाहते? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा प्लान बिगाड़ रहा हूं शायद। वो तुम ही थे भाई, तुमने कामन को आगाह किया और तुम ही ने चोरी करवाई। क्योंकि तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जाहिर है तुम कुछ भी करते, मतलब तुमने एक इंसान को भी मरने दिया और दुनिया के सामने विंग्स को ले आए ताकि मुझे याद आए कि मैं कौन हूं। मुझे ये एहसास हो कि मुझे अपने विंग्स चाहिए और उसके साथ वो हेल्प का सिंहासन। पता है क्या, तुम्हारा प्लान काम कर गया था। पर चलाया क्यों तुमने, बताओ। तुम सही थे, मेरा विंग्स काटना तो अधूरा काम था। ये घर लौटने का जरिया था, वो जरिया जो पूज्य डैडी जी की चुनी जिंदगी में मुझे वापस भेज सकता था। पर अब नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि शायद मैंने अपनी बात ठीक से समझाई नहीं। मैं अब हेल नहीं लौटने वाला। सुनो भाई, कोशिश के लिए पूरे नंबर। मुझे यकीन है कि डैड भी कोशिश के लिए बड़ा गोल्ड स्टार देंगे। सही है, मारो मुझे भाई, फिर से मारो, मेरी तरह बन जाओ, आग बरसाओ, गिर जाओ मेरी तरह। चलो मारो। कम ऑन।